साहस सरोकार। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, पीएम मोदी बोले द्विपक्षीय रिश्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण। रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है भारत। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद बोले इमरान के खिलाफ जमा हो गए हैं कुछ लुटेरे, हम नहीं छोड़ेंगे पीएम का साथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे विंध्यवासिनी धाम, परिवार के साथ किया विंध्यवासिनी के दर्शन। परिवहन मंत्री दयाशंकर ने कार्यभार ग्रहण किया, विधान भवन कार्यक्रम में की पूजा अर्चना। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि नवरात्र के पहले दिन यानी कि आज से ही पुलिस विभाग की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाए और बेटियों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूल कॉलेज में एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय किए जाए। इसके अलावा प्रदेश भर में मिशन शक्ति के कार्यक्रमों की शुरुआत 10 अप्रैल से होगी। ग्राम सचिवालय में महिलाओं से जुड़ी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। ये वो निर्देश है जो सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड का सक्रिय करने का निर्देश दे दिया गया है। अब बेटियों की सुरक्षा के लिए ये एक और कदम उठाया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। एंटी रोमियो स्क्वाड अब सक्रिय हो गया है सीएम के निर्देश के बाद। आपको बता दें कि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं पीएम ने। मिशन शक्ति के कार्यक्रम की शुरुआत 10 अप्रैल से होगी, तो वहीं एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत आज से यानी कि नवरात्र के पहले दिन से कर दी गई है। पुलिस विभाग की तरफ से सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाए, इसका निर्देश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, एंटी रोमियो अभियान हमारे यहाँ मिशन शक्ति के अंतर्गत चलता रहा है। आज हमारे यहाँ प्राथमिकता है कि ऐसी बाजार, ऐसे कॉलेजेस और साथ ही साथ ऐसे मंदिर या पूजा के स्थान जहाँ महिलाओं का ज़्यादा आना जाना होता है, बच्चियों का आना जाना होता है, कोचिंग सेंटर्स हमारे हैं जहाँ बच्चियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं, वहाँ पर हम लोगों की पुलिस की पेट्रोलिंग सतत रूप से रहे। प्लेन क्लोथ्स में भी महिला कॉन्स्टेबल्स जो हमारी हैं, महिला सब इंस्पेक्टर्स भी अगर नेसेसरी होती हैं तो हम वहाँ लगा रहे हैं ताकि बच्चों या महिलाओं को ईज़ हो बात करने में, हम एक अनबायस एनवायरनमेंट में सब कुछ चीज़ें देख पाएँ और एक भयमुक्त वातावरण, एक सुरक्षा का माहौल उन लोगों को दे पाएँ। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से सौदेबाजी करते हैं उनको भी हम लोग चिन्हित करें, उन लोगों को भी वार्न करें, और साथ में जो अन्य हमारे सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी हमने देखा यहाँ कॉलेज में लड़के आए हुए थे जो कि सभी 18 साल की उम्र से ऊपर हैं, परंतु वो बाइक से आए और उन्होंने हेलमेट का प्रयोग नहीं करा, उन्होंने अपनी लाइफ भी एंडेंजर कर रहे हैं, जो उसके साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं उसकी भी कर रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का भी हम इस अभियान के दौरान ध्यान रख रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, एंटी रोमियो स्क्वाड की आज से शुरुआत करी गई है और यूपी में मंचलों को सावधान रहने की जरूरत है, स्कूल कॉलेज में ये स्क्वाड सक्रिय रहेगा, किस तरह से देखते हैं? जी शिखा, आपको बता दें कि प्रदेश भर में व्यापक पैमाने पर आज से मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड का फिर से एक बार गठन किया गया है। पिछली सरकार में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था मगर वो उस तरह का सफल नहीं हो पाया था। इस सरकार में जो योगी सरकार की 2.0 है, इसमें फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय किया गया, जिसमें आपको बता दें कि स्कूल कॉलेज जो है, जो खासकर महिला विद्यालय है और जो ऐसे जगह मार्केट और मंदिरों, जो नवरात्रि चल रही है मंदिरों में, तमाम जगहों पे महिला पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा जो वर्दी में भी रहेंगी, साथ ही साथ सिविल वर्दी में वो हर एक मंचलों पे नजर बनाए रखेंगी। और साथ ही साथ आज लखनऊ में जो एसीपी अपना कौशिक की तरफ से आज एक
मीडिया बाइट में बताया गया, जो कि डीसीपी सेंट्रल है लखनऊ की, उनकी तरफ से बताया गया कि आज नेशनल पीजी में वो पहुंचकर बालिकाओं से बात की और साथ ही साथ उन्हें निर्देश दिए कि एंटी रोमियो के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया और साथ ही साथ 112 और 1090 के बारे में भी जानकारी दी कि अगर आपको कोई समस्या हो, कोई ऐसा मंचला आपको परेशान करे तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकती हैं। साथ ही साथ ऐसे जगहों पे महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है और साथ ही एक निर्देश भी दिया गया है कि हर दिन आपको 1 घंटा पैदल पेट्रोलिंग करनी होगी ऐसे जगहों पे जहां महिलाएं, खासकर जो मार्केट है जहां महिलाएं भारी संख्या मौजूद रहती है, ऐसी जगहों पे महिला जो पुलिसकर्मी होंगी उनको तैनात किया जाएगा। वो 1 घंटे प्रतिदिन पेट्रोलिंग करेंगी और ये निर्देश सभी कर्मचारियों को होगा। और वहीं साथ ही साथ जो पिंक बूथ पिछली सरकार में बनाया गया था, फिर एक बार फिर पिंक बूथ को बताया जा रहा है कि पिंक बूथ लगभग जो भी संचालित है उनको सुसज्जित रूप से चलाया जाएगा। साथ ही साथ 1,000 जिस तरह से छोटी बच्चियां होती हैं मंचलों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है, कई बार ऐसे देखने को मिला है कि वो आत्महत्या के प्रयास करती हैं, तो इस तरह के प्रयास में कितनी लगाम लगेगी और जब एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जा रहा है इससे बाकी मामलों में कितनी सहायता मिलेगी बच्चियों को? जी शिखा, अगर बात करें तो खास तौर पे हर एक वर्ग की लड़कियों को ये नहीं मालूम है कि क्या उनके पास ताकत है। ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड एक बार फिर से लॉन्च किया गया है और इसे सफल बनाने के लिए हर एक प्रयास अधिकारी और तमाम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आम नागरिक है उसको भी इसका प्रचार करना चाहिए कि हर एक वर्ग की, हर एक महिलाओं लड़कियां सबके पास ये जानकारी हो कि एंटी रोमियो स्क्वाड से हमारे लिए, हमारे हक के लिए बनाया गया, साथ ही साथ इससे हम क्या कर सकते हैं। वहीं डीसीपी सेंट्रल आज जैसे अपना कौशिक ने बताया कि 112 और 190 लड़कियों को समझाया नेशनल पीजी कॉलेज में कि आप अपनी समस्याओं को यहां इस नंबर पे सूचना देकर दे सकती है और साथ ही साथ अगर कोई लड़की स्कूल से जा रही है या कोई महिला मार्केट आई हुई है उसे साधन नहीं मिल रहा है तो वो पिंक बूथ पर जाकर आराम कर सकती है और साथ ही साथ वहां से अपने साधन को ले सकती है, ऐसा डीसीपी सेंट्रल अपना कौशिक का कहना है। वहीं अगर बात की जाए तो इस माध्यम से कहीं ना कहीं लड़कियों को राहत की सांस होगी क्योंकि आए दिन आप देखती हैं कि स्कूल कॉलेजों के बाहर जो मंचले लड़के होते हैं, आवारा किस्म के लड़के होते हैं, वो वहां पहुंचकर उनके साथ छेड़खानी की खबरें आती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे लगाम देखने को मिलेगा। साथ ही आपने पिछली सरकार में देखा था कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था जिसमें कहीं ना कहीं वो कारगर साबित नहीं हो पाया था, ऐसे कई सारे केसेस आए थे, इसमें भाई बहन के साथ बैठने पे भी सवाल खड़े किए गए थे। तो इसकी तरफ से पूरी प्रशासन की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि आप पूरी जानकारी के साथ किसी से पूछताछ करें और साथ ही साथ अगर कोई आपत्ति जताए तो उनसे जरूर पूछताछ करें। जी विभाषु, एंटी रोमियो स्क्वाड आज से सक्रिय हो गया है तो वही मिशन शक्ति की शुरुआत 10 अप्रैल से होगी। ये दोनों ही कार्यक्रम महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को शुरू किया जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इन दोनों में क्या विशेष अंतर है। जी अगर बात की जाए तो एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे कोई छात्र छात्राएं या कोई महिला अगर मार्केट जाती है या छात्र छात्रा अगर किसी स्कूल में जाती है या कॉलेज में पढ़ती है तो आमतौर पे आप देखने को मिलता है और खबरें आती हैं कि ऐसे कई सारे मंचले लड़के जाके उन्हें परेशान करते थे, उसके लिए ये एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। वहीं अगर बात की जाए मिशन शक्ति की तो मिशन शक्ति में आपने देखा कि पिछली सरकार में तमाम पिंक बूथ बनाए गए, इसमें महिलाएं अपनी समस्या लेकर वहां समाधान पा सकती थी, उसी क्रम में एक बार फिर जो मिशन शक्ति है उसको भी लॉन्च किया जाए और साथ ही साथ उसके तहत 1,000 पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं। और मिशन शक्ति के जो पिंक बूथ है यहाँ महिलाओं के लिए विशेषकर होती है, जो फीमेल जेंडर है उनके लिए ये पिंक बूथ बनाए जाते हैं जहाँ वो अपनी समस्याएं कह सकती है और साथ ही साथ वहाँ पूरी तरह से जो कर्मचारी होती है, सही बात की जाए जो भी कर्मचारी वहां होता है वो महिला होता है और महिलाएं महिलाएं से समस्या आसानी से कह सकती हैं। भारत के अंदर में आप देख सकती हैं कि महिलाएं थाने में जाने में बहुत संकोच खाती हैं, इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से मिशन शक्ति के तहत पिंक बूथों की संख्या बढ़ाई जा रही है। खासकर अगर देखा जाए तो इसकी संख्या गाँव में ज्यादा बढ़ानी चाहिए, शहरी क्षेत्रों में पुलिस मॉनिटरिंग और पुलिस पेट्रोलिंग अगर बात की जाए, कंपेयर की जाए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से तो शहरी क्षेत्रों में कहीं बेहतर है और ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं इसकी हालत बदतर है, तो इसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको
इसको बनाना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। जैसे जी विभांशु, पहले कार्यकाल में जब सीएम योगी ने अपना कार्यकाल संभाला था, अपने कार्यभार संभाला था, तब भी एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था और दूसरा कार्यकाल संभालते ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, तो दोनों कार्यकाल में ये समानता है। लेकिन जब पहले कार्यकाल में इसका गठन किया गया तो काफी आलोचना भी हुई थी इसकी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पुलिस द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है तो काफी विरोध हुआ था। तो इस बार फिर से इसका गठन किया गया है, तो क्या ऐसी परेशानियों का सामना फिर से करना पड़ सकता है या कुछ सुधार रहेगा? जी मुस्कान, आपको बता दें कि एंटी रोमियो स्क्वाड जब शुरू किया गया था, कुछ ऐसे खबर आए थे, हम पूरी तरह से इस पे सहमत नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से फ्लॉप था, मगर ऐसी खबरें आई थी कि कुछ जगहों पे भाई बहन पार्क में बैठे हुए थे, मगर उन्हें पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ गलत तरीके से व्यवहार किया गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन माफी भी मांगा था उन लोगों से। तो मगर इस बार देखा जाए तो इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई अपनी इच्छा से कहीं बैठा है और तो आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें, बल्कि ऐसे लोगों को ढूंढे जो जो आए दिन मंचले होते हैं, वो कमेंट करते हैं, साथ ही साथ छेड़खानी का प्रयास करते हैं, ऐसे कमेंट बाजियों के जो स्कूल और कॉलेजों के बाहर जो आवारा किस्म के बच्चे होते हैं वो पहुंच जाते हैं, बच्चे जो छात्राएं होती है उनके साथ छेड़खानी के मामले आते रहते हैं। इसी को देखते हुए एक बार फिर इसको लॉन्च किया गया है और वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि आप पूरी जो मामले हो उसकी संज्ञान में तब ले जब अगर कोई आपत्ति हो और साथ ही साथ अगर कोई पीड़ित हो, बल्कि अगर कोई अपनी स्वेच्छा से कहीं बैठा है तो आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे से संवाददाता विभांशु बाड़ी त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। तो अब सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि कोई अगर स्वेच्छा से कहीं पे बैठा है, किसी के साथ है, तो उसको परेशान ना करने की सख्त हिदायत दी गई है, खासतौर से मंचलों पर सख्ती करने की हिदायत दी गई है। यूपी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई, वहीं सिद्धार्थ नगर से सीएम योगी ने इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कोई पर्व और त्योहार होने के पहले हम सफाई पर ध्यान देते हैं, स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, इसके पीछे का कारण ये है, हम साफ रखेंगे माँ दुर्गा का आगमन होगा, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, माँ सरस्वती का आगमन होगा। देवी ये शक्तियां गंदगी में नहीं आती है, देवी ये शक्तियां स्वच्छता में आती है और उस स्वच्छता के प्रति हमें आग्रह बनना पड़ेगा, उस स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। शुद्ध पेयजल के अभियान को हर घर नल योजना में, जल जीवन मिशन में हर घर के लिए नल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हर घर नल की यह योजना बने, सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जब तक हर गांव उससे आच्छादित नहीं होता है, हमारा प्रयास होना चाहिए शुद्ध पेयजल हो। लेकिन अगर कहीं पर स्टेटा से ऊपर ही लोग पानी लेने का प्रयास कर रहे हैं तो लोगों को बताने की आवश्यकता कि उस पानी को गर्म करके ही वे सेवन करें, कोई पेट जनित बीमारी नहीं होगी, कोई जल जनित बीमारी नहीं होगी, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होगी जो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए काल जानलेवा बन जाए। इसलिए भाइयों बहनों, ये जागरूकता का एक विशेष अभियान, स्वच्छता के अभियान के साथ छिड़काव के कार्यक्रम को, मेलाथियन का छिड़काव हो, एंटी लार्वा डस्ट का छिड़काव हो, जगह जगह इस अभियान को आगे बढ़ाना, तेजी के साथ आगे बढ़ाना, जागरूकता के कार्यक्रम के साथ जापानी इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीन भी लगने प्रारंभ होंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है और इस दूसरे कार्यकाल में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नवरात्र के पहले दिन दर्शन पूजन करके विधान भवन में पदभार ग्रहण किया। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को मिलेगा, साथ ही गरीबों के घर तक साफ पानी पहुंचाया जाएगा। गाजीपुर पहुंचे आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। जहां पैतृक गांव सिधौना पहुंचे डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को पुनर्जीवित कर आयुष के सभी उपचार विधियों को आम जनमानस के लिए सुलभ और सुगम बनाया जाएगा।
बनने के बाद प्रथम आगमन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आभार अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, परम आदरणीय सांसद वाराणसी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, इन सब लोगों के बहुत आभारी है कि एक सिधौना की धरती पे जन्मे एक अदने से व्यक्ति को, अब भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य से सिपाही को उन लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है, तो सबसे पहले तो उनका हृदय से आभार। दूसरा, ये मेरी जन्मी जन्मभूमि है काशी के बाद, काशी ने पाला ज़रूर है, पैदा किया गाजीपुर ने, पाला बनारस ने, और आपको पता है कि मैं 8 सालों तक चंदौली में प्रिंसिपल था, तो कहीं ना कहीं से मेरी नौकरी चंदौली में, जन्म गाजीपुर में, बनारस, तो अजीब सी जिंदगी है मेरी, अब सेवा करने का मौका मिला है तो अभिभूत। खबर एटा से है, जहां मुख्यालय पर स्थित माता महाकाली मंदिर और प्राचीन पथवारी माता मंदिर पर सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लग गया। लगातार भक्त माता शैलपुत्री की पूजा करने के लिए उमड़े। इस दौरान भक्तों ने कहा, पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते लोग पूजा नहीं कर पाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, लोग मुक्त होकर के माता रानी की पूजा कर रहे हैं। अपूर्वारी इस प्रकार से आज चैत्री नवरात्र प्रारंभ हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और भीड़ भी मतलब सही है, और कोरोना से भी अब थोड़ा रिलीफ हो गया है, और मैंने तो 9 दिनों के व्रत रखे हैं, अच्छा लग रहा है मंदिर आके। वैसे भी घर में ही बैठे बैठे हुए हैं, पूरी पढ़ाई भी पूरी घर में ही निकली है, सब कुछ घर में ही होता है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे आज सेल्फी में भी पूजा है, आपने व्रत रखा है? जी, हमने व्रत रखा है। खबर अयोध्या से है, जहां माता बड़ी देव काली मंदिर श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। यहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु विशेष रूप से नवरात्रि में माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। बता दें कि बड़ी देवकाली को भगवान श्री राम की कुल देवी के रूप में माना जाता है। कहा जाता है यहां श्रद्धा के साथ जो भी मुरादें मांगी जाती हैं वो सारी पूरी होती हैं। जैसा कि मानना है कि ये हमारे कुल राम जन्मभूमि अयोध्या रामचंद्र जी के कुल देवी का मंदिर है, ये जहाँ रामचंद्र जी और उनका परिवार बराबर दर्शन करने आते थे, और जब से हमारी भी पैदाइश हुई है मैं भी हर नवरात्र के पहले दिन दर्शन करने जरूर आता हूँ। ये मानना है कि ये हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के कुल देवी का मंदिर है। खबर कन्नौज से है, जहां फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं एक बच्ची की मौत हो गई और एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बच्ची को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जबकि 3 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक देर रात स्थानीय दुकान से समोसे खरीद कर खाने से बच्चे की हालत बिगड़ी। ठठिया थाना क्षेत्र के सुखपुरवा गाँव का यह मामला बताया जा रहा है। खबर मऊ से है, जेल में बंद गैंगस्टर के मामले में सपा नेता संजय सागर को जिला अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती कराने के मामले में परदह ब्लॉक प्रमुख राजेश कुमार समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुख्तार अंसारी के सहयोगी संजय सागर को पेशी पर लाया गया था, इस दौरान उसके समर्थकों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराने का दबाव पुलिस कर्मियों पर बनाया, जिस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि थाना सरायल खंसी का ये पूरा मामला है। मामला ये था कि आज संजय सागर, जो मुख्तार अंसारी से संबंधित रहा है, वो आया था, उसकी पेशी थी, वो गैंगस्टर में जेल में है। आज उसकी पेशी के बाद वो अस्पताल में दिखाने आया था, तो हमारे जो सिपाही उसको लेकर के आए थे उन पर और डॉक्टरों पे ये दबाव बना रहा था काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके कि उसे जेल में ना भेज करके अस्पताल में एडमिट करा दिया जाए। ये उसी के जानने वाले लोग हैं, उसी के परिचित लोग हैं संजय सागर के, तो हमारे सिपाही ने सूचना दी कि सर ऐसा हो रहा है, तो मैं तत्काल मौके पे पहुंचा, और हमें पहुंचते ही काफ़ी लोग तो भाग गए, 2 मिल गए, 2 ऐसे लोग मिले गए हैं जो उनमें से मेन।
सीएम योगी ने सभी स्कूल कॉलेजों पर एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करने का निर्देश दिया है। नवरात्रि पर्व के पहले दिन महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग विशेष अभियान चलाएगा। इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देश में सभी थाना अध्यक्षों को उनके क्षेत्र में 24 एंटी रोमियो टीमों के गठन का निर्देश दिया गया है। आज एंटी रोमियो अभियान के तहत कस्बे में मैंने पूरा भ्रमण किया, विद्यालयों पे, मंदिरों पे, ऐसी जगहों पे जहां महिलाओं बच्चियों का आना जाना लगा रहता है, उसके संबंध में ड्यूटियों को चेक किया गया। महिलाओं बच्चियों से लगातार वार्ता की गई, उनको किसी प्रकार की भी कभी भी आने जाने में किसी भी कार्य में कोई असुविधा ना होती हो या कोई सौदे या मंचलों द्वारा परेशान न किया जाता हो, इस प्रवृत्ति के लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारी ड्यूटियाँ लगातार सादे वस्त्रों में भी लगी हुई हैं, उनको पकड़ के उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और महिलाओं बच्चियों से बात करके उनमें एक विश्वास का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि किसी भी समस्या की स्थिति में वो तत्काल पुलिस को सूचित कर सकें और हम भी समय रहते तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर सकें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और स्कूलों के शिक्षकों, छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ बातचीत पर आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा 2022 पर चर्चा की लाइव स्ट्रीमिंग देखी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बोर्ड की परीक्षाओं के संबंध में छात्रों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान AMU के डिप्टी प्रॉक्टर सैयद अली नवाज जैदी ने कहा कि यहाँ करीब 28 देशों के छात्र पढ़ रहे हैं, जिनमें से करीब 30 छात्रों ने प्रधानमंत्री के विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डिप्टी प्रॉक्टर ने आगे कहा कि कार्यक्रम बहुत अच्छा था और अन्य देशों के छात्रों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह अन्य 24 जिलों में इंटरमीडिएट का पेपर लीक होने के बाद हरकत में आ गए। दोनों अधिकारियों ने सतर्कता दिखाते हुए जनपद के कॉलेजों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में DM और SP ने स्थानीय वैदिक कन्या इंटर कॉलेज बिजनौर इंटर कॉलेज में प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए सीलिंग, पैकिंग और CCTV मॉनिटरिंग कक्षों का निरीक्षण करते हुए प्रधानाचार्य और केंद्र व्यवस्थापक को निर्देश दिए। माध्यमिक जो परीक्षाएं हो रही हैं उनकी शुचिता बनाए रखने के लिए, नकल विहीन परीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग विद्यालय में जाकर के ये देख रहे हैं कि जो प्रश्न पत्रों का रखरखाव है, उसकी सुरक्षा है, वह समुचित है कि नहीं, और भविष्य में कैसे इस परीक्षा को शुचितापूर्ण कराया जाए उसके लिए निर्देश दिए गए केंद्र व्यवस्थापक को। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।